विश्वविद्यालय की लड़कियों के लिए गीत गाना चाहता हूं जो मैंने कल रात लिखा यहां आने के बाद। मुझे लगा कि ये मेरा कर्जा है आप मेरे सर पे आपका, आपने ऐसा वातावरण दिया है और आप वो लड़कियां हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम अपनी सभ्यता की दौड़ में कितने प्रकाश बिल आगे बढ़ गए हमें नहीं पता, लेकिन अपनी मानसिकता में बहुत प्रकाश बिल पीछे है। हिंदुस्तान में साइकिल और स्कूटी चलाने को नारी सशक्तिकरण का पर्याय माना जाता है। भाई मिश्रा जी की लड़की स्कूटी चलाती है, अब वुमेन एम्पावरमेंट आ गई। इनको लगता है कि स्कूटी चलाना ही वुमेन एम्पावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण है ना। तो वहां पर ऐसे समाज में जहां पर इतना भरी नारी सशक्तिकरण माना जाता है, जहां कमाने वाली लड़कियां काबिल कम चालू ज्यादा कहलाती है, उस खराब समाज के वर्ग को भी जवाब देना है लड़कियों आप सबको। वहां से आप लड़कियों के लिए लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों। पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, सातवां समा चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, हाँ जी हाँ जी, लड़ो लड़कियों, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, सातवां समा चढ़ो लड़कियों, चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों। और देखिए अब जब आप ऐसे करने लगेगा तो लोग कहेंगे कुछ लड़कियां हैं, लेकिन जब आपको अपने दादा आपके अब्बा आपके आपकी माँ जब समझा रहे हैं कि नहीं बेटी संस्कृति भी अच्छी है, तब वहां कहना कि हो आंगन की तुलसी रहना। सर तुलसी कितने गुणों से भरपूर पौधा है, लेकिन उसको हिंदुस्तान का कोई घर नहीं, कोई दुनिया का नहीं, उसको एक कोना मिलता है। पहले उस पर हम जल चढ़ाए, लेकिन तुलसी को रखने के लिए बस एक कोना मिलता है। इतना गुणकारी पौधा, उसके बावजूद उसको घर में कितनी सी जगह, छोटी सी जगह। प्रकृति ने उसके साथ अन्याय किया, इतने गुणकारी पौधे को इतना छोटा स्वरूप। तो सूक्ष्मता का विरोध है स्थूलता के विरोध में। ये लाइन की बनो आंगन की तुलसी रहना, नए वक्त में बरगद बनना। बनो आंगन की तुलसी रहना, नए वक्त में बरगद बनना। अरे स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, अरे स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, पड़े जरूरत सरहद चलना। हे चोर चुलम पर कड़क कड़क के, ये चोर चुलम पर कड़क कड़क के, बनके बिजली गिरो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, गिरो लड़कियों, ओ लड़ो लड़कियों, गिरो लड़कियों। पीठ पे ला दे तुम देखो पामीर की परखा, चलो इतना मजबूत। दुनिया में पहली बार जब एक आदि मानव सर एक पुरुष रहा होगा, एक स्त्री रही होगी, और जब स्त्री को पुरुष ने कहा होगा कि तुम गुफा में रहना, क्योंकि स्त्री ने पहली बार जो चमत्कार पुरुष को दिखाया कि वो बच्चा था, ये जब पहले आदि मानव ने देखा होगा तो चौंक गया होगा, ये कैसा चमत्कार, ये काम मैं नहीं कर सकता। उसने देखा कि एक स्त्री एक मानव को जन्म दे रही है, वो चौंका होगा, और इसी चौंकने के कारण उसने कहा होगा तुम गुफा में रहना, ये अद्भुत सृजन, इसको मैं कैसे छूंगा, मैं कैसे संभालूंगा, ये तो तुमने किया। और उसने कहा होगा उसे कि तुम इसे बच संभालना, क्योंकि ये तुमने किया, तुम ही जानो ये क्या है, और मैं जा रहा हूं बाहर शिकार करने, खतरे से खेलने। ये एक स्त्री के प्रति पुरुष का पहला प्रेम था, पहला दिन था, ये पहला प्यार था,
इस बच्चे की परवरिश करना और मैं जा रहा हूँ स्वीकार करने, लेकिन वहीं पर पहला धोखा सभ्यता ने मानवता के साथ कर दी कि उस प्रेम को पुरुष ने अपना अधिकार समझ लिया कि हम बलशाली हैं, हम स्वीकार करेंगे, और उस नारी के सम्मान को जिसको परवरिश इसलिए करना था कि उस चमत्कार उसने किया था, हमने उसके लिए कानून और कायदा बना दिया कि तुम घर में रहने वाली। ये इतिहास का पहला धोखा है मानवता के साथ जब स्त्री और पुरुष के बीच ये दीवार खड़ी कर दी गई। तो वहां से मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, विश्वविद्यालय के फैकल्टी से पूछिएगा बाद में, आपको विद्यार्थियों को कह रहा हूं। हाँ, आप समाजशास्त्र के सर से जब पूछेंगे बाद में तो पता चलेगा कि हिंदी का एक छात्र जो कविता करके गया था उसने बहुत बड़ी बात कह दी थी। और वहां से कि पीठ में लादे पामिर की पठार चलो, पर्वत काटे तेज नदी की धार।